हर राजनीतिक दल और उनके नेता आखिरी चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी बेटी मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्र में रोड शो किया। हालांकि लालू यादव का रोड शो थोड़ा अलग था, वो अपनी कार के अंदर ही बैठे रहे और समर्थकों की भीड़ उनकी कार को घेरे रही। कार में बैठकर रोड शो करते हुए लालू यादव फुलवारी शरीफ में खानकाह मुजीबिया पहुंचे। खानकाह में मुस्लिम टोपी पहनकर लालू यादव ने पीर साहब से मुलाकात की। इस दौरान लालू यादव के साथ पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और पूर्व विधायक अबू दोजाना भी थे। पाटलिपुत्र में आने वाला फुलवारी शरीफ मुस्लिम बहुल इलाका है। लालू अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ मुसलमानों का वोट निर्णायक हो सकता है। बेटी मीसा भारती का चुनाव प्रचार करते लालू यादव से जब जीत और सीट की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए बोल रहा कि हम ऊपर से अवतार हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा के पक्ष में पाटलिपुत्र में रैली कर रहे थे तो लगभग उसी समय पाटलिपुत्र से 10 किलोमीटर दूर पटना में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ लालटेन युग का भय याद दिला रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ की पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में एक रैली थी, इसमें वो बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के पक्ष में माहौल बना रहे थे। अपनी छवि के अनुरूप योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के खिलाफ बहुत कुछ कहा। लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम टोपी पहनकर लोगों का ध्यान खींचा था तो योगी आदित्यनाथ ने श्री राम, लालटेन युग, अयोध्या के बाद मथुरा, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक हटाने की बात करके बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। रविशंकर प्रसाद के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में बिना डरे खड़े रहे। जो राम को लाए हैं और यहाँ की जनता बार बार कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए, उसका काम तो राम भक्त ही करने जा रहे हैं, राम भक्त इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी राउंड में अपने तीखे बयानों से बड़े बड़े नेता एक दूसरे को 440 वोट के झटके दे रहे हैं। आज भी दिन भर कई बयान टॉप ट्रेंडिंग में रहे, इसीलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के वायरल बयान। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी, ये नया भारत है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं का ये भारत में बोझा बने थे, अरे जाओ पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है क्योंकि वहां पे स्वयं भूखों मर रहे हैं। अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया, मगर भारत के जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनको पैगाम जा चुका है। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुला ले बिहार, और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया गया है, एक ही टाइप है ना भाई। Z News.